नीमच शहर में स्वच्छता अभियान को लेकर भले ही नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी लाख दावे कर ले अपनी वाहवाही लूटने में लगे हुए हैं, लेकिन धरातल पर शहर की स्थिति कुछ और ही बयां कर रही है। देखिए स्वच्छता अभियानों की पोल खोलती हुई ये खबर। बात करें शहर में एंटर होने वाले रोड की, जहां कुछ ही दूरी पर कलेक्टर कार्यालय, शनि मंदिर, गोमाबाई नेत्रालय सहित स्वयं नगरपालिका कार्यालय भी है। ये वो रास्ता है जहां से हर रोज सैकड़ों लोगों का आना जाना लगा रहता है। वहीं शनि मंदिर से कुछ ही दूरी पर संजीवनी नाले के ऊपर से पुलिया बनी हुई है और इसी पुलिया से सभी शहरवासियों और प्रशासनिक अधिकारियों का प्रतिदिन आवागमन रहता है, मगर फिर भी किसी का ध्यान इस ओर जाता ही नहीं। जबकि ये वो नाला है जहां कभी साफ पानी में नाव चला करती थी, रात में रंग बिरंगी लाइटें जगमगाती थी, जहां शहर के लोग लुत्फ उठाते थे, मगर नगरपालिका जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते ये नाला खुद अपनी ही दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। क्योंकि इस नाले के अंदर जहां जलकुंभी की हरी चादर बिछी हुई है, वहीं इस नाले के चारों तरफ लंबी लंबी गाजर घास उगी हुई है, जो शहर की स्वच्छता और मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। वहीं जब हमारे चीफ रिपोर्टर मुश्ताक अली शाह ने इस बारे में आमजनों से बातचीत की तो क्या कहना है उनका, आप खुद सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अली शाह और आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। शहर के मुद्दों की बात करें हम तो शहर के मुद्दों को लेकर इस वक्त हम खड़े हैं मेरा शहर मेरी स्वच्छता, यानी कि संजीवनी नाली के पास, जहां आप देख सकते हैं कि ये वो रास्ता है जहां से हजारों लोगों का नीमच में आगमन होता है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों की और जिम्मेदारों की बात करें तो उनका रोजाना कम से कम 5 से 7 बार इस रास्ते से आना जाना होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि चुनाव की बात करें तो चुनाव के 5 साल परिषद ख़त्म होने के बाद 2.5 साल जो है प्रशासक खुद जिला कलेक्टर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी शहर की हालत आप देख सकते हैं। ये एक व्यस्तम रोड है, यहाँ पे हज़ारों लोगों का आना जाना है, किस तरह के हालात बने हुए हैं? ये शहर के इंटर होने का रास्ता है और कलेक्टर चौराहे भी पास में ही है, कलेक्टर कार्यालय भी पास में ही है, सारे कार्यालय के अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी रास्ता यही है। उसके बावजूद भी इस नाले के अंदर जलकुंभी जमी हुई है, गाजर घास खतरनाक फैली हुई है। अभी 3-4 दिन पहले जो पानी आया था लगातार रात भर मूसलाधार पानी गिरा था, उसमें भी जल भराव मोहल्ले के अंदर आ गया था। सारे नाले बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं, अंदर आते से अब यहाँ लिखा हुआ है मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी। प्रशासनिक अधिकारियों का रास्ता है ये, कम से कम उनको तो ये ध्यान लगाना चाहिए कि भाई जगह जगह गाजर घास उग रही है, नाले के अंदर जलकुंभी, पूरी बरसात चल रही है। इन्होंने बोला था कि बरसात आने से पहले पहले साफ़ करवा देंगे, यहाँ पे भी नहीं हुई है। अंबेडकर कॉलोनी का जो नाला है, एकता कॉलोनी जयसिंहपुरा, वो पूरी एकता कॉलोनी में अभी 4 दिन पहले पानी आया था, पूरा पानी घुस गया था। संजीवनी नाला भाई रघुराज जी ने इसको बहुत अच्छा बनाया और यहाँ नीमच की जनता को इससे सारे नलकूप भर रहे हैं इस इलाके के, लेकिन पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि इस नाले में सफाई हुई नहीं और जलकुंभी आप देख ही रहे हैं, जलकुंभी भरी हुई है पूरी और सफाई का होना कोई काम नहीं। अभी नई नगर पालिका आई है, देखो नई अध्यक्ष आई है, क्या करती है? हम नई नगर पालिका की बात न करके बात करें परिषद खत्म में 2-2.5 साल हो गए, 2.5 साल में जिला कलेक्टर प्रशासक थे नगर पालिका के, उसके बावजूद भी कलेक्टर का रोजाना यहाँ से निकलना आना जाना शुरू होता है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी की नींद नहीं खुली, क्या कहेंगे इस बारे में? भाई जिला प्रशासन ने वहाँ पे आदमी बिठा रखे थे, सीओ में होता मुख्य नगर पालिका अधिकारी, उसके हाथ में सब कुछ रहता है, कलेक्टर की जिम्मेदारी भी बनती है क्योंकि वो उसका प्रशासक है, उसके बाद भी अगर सफाई नहीं होना तो ये तो नाकामी है प्रशासन की, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? क्या कहेंगे अभी नई नगर पालिका आई, इसको इस नगर पालिका इसको संजू नाले को उस पर लेके और इसको सफाई करवानी चाहिए पहले तो। स्वच्छता की पोल, ये सामने व्यस्तम मार्ग है, नाला दिख ही रहा है आपको, इसमें पूरी गंदगी भरी हुई है, जबकि पूरा प्रशासन इधर से दिन रात इधर से आना जाना रहता है, मगर उसके बाद भी अभी तक भी साफ सफाई नहीं हुई है इसके शहर में नाले के। अभी बारिश भी चालू हो चुकी अभी है, अभी पहले चुनाव से पहले वादे थे, चुनाव के बाद भी वादे हैं, अभी फिर चुनाव हो गए, अब परिषद भी बैठ गई, क्या करना चाहिए नगर पालिका? नगर पालिका को सबसे पहले तो ये गाजर घास है, नाला है शहर का सबसे अच्छा खूबसूरत नाला है, इसको स्वच्छ करना चाहिए। अलग अलग नाले भरे पड़े हुए हैं, साफ सफाई नहीं हो रही है, इसके ऊपर प्रशासन को पूरा ध्यान देना चाहिए। मैं वॉइस ऑफ एमपी का धन्यवाद चाहूँगा कि समय समय पे वॉइस ऑफ एमपी नगर की समस्याओं को उठाती रहती है, और वास्तव में आपने आज जो अपने संजुनी तालाब के यहाँ पे हर व्यक्तियों से इस बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से नगर पालिका के कर्मचारी गहरी नींद में सोए हुए हैं, क्योंकि अभी मानसून बता रहा है बहुत अतिवृष्टि है, और इस तरह से अगर अतिवृष्टि होती है तो जलकुंभी
का भाव ऊपर आएगा, ऊपर आएगा तो जो नगर पालिका ने ये जालियाँ लगा रखी है इसको भी क्षति पहुँचाएगी। तो इसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि नगर पालिका को संज्ञान में लेना चाहिए और हमारी नवनिर्वाचित अध्यक्षा को इसको प्रायोरिटी में लेना चाहिए, क्योंकि अभी मानसून ऋतु मानसून है।